गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, इन अवर लास्ट क्लास वी कंप्लीटेड सेल्फ प्रैक्टिस 5C एंड टुडे वी विल डू सेल्फ प्रैक्टिस 5D। 5D का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑलरेडी सॉल्व। हम इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं एंड देन आफ्टर बच्चों हम अपने जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। एक एक करके हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन में मल्टीप्लाई है, 1221 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो बच्चों, इन अवर लास्ट क्लास आई वाज टोल्ड यू कि आपको टेबल लर्न होनी चाहिए और वो टेबल आपको 2 से 10 तक की टेबल जो है वो आपको लर्न होनी चाहिए। और वो मैंने बोला था आपको होमवर्क में कि वो आपको अपने पेरेंट्स को या आपके जो भी आपके एल्डर ब्रदर या सिस्टर हैं उनको आपको वो सुनानी है। तो आई होप आप सभी ने वो याद करके अपने एल्डर ब्रदर और सिस्टर या पेरेंट्स को सुना दी होगी। तो बच्चों, बिकॉज क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन वाला वर्क होता है उसके अंदर बच्चों हमें टेबल की बहुत ज़्यादा नीड होती है। टेबल हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, टेबल लर्न होना। ओके, जैसा कि आप देखेंगे जब मैं 4 की टेबल को 1 टाइम पढ़ूंगा तो 4 आएगा, 4 2 जा हमारा हो जाएगा 8, 4 2 जा हो जाएगा अगेन 8 और 4 1 जा 4। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं पेन यूज़ कर लेता हूँ। 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 की 3 से करेंगे 9, 3 की 2 से इट मीन्स 3 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। ऐसे ही सेकंड में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ओके, फिफ्थ पार्ट में 9 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0। ओके, फिर 9 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 और 8 9 जा होता है हमारा 72। ऐसे ही 3 1 जा 3, 3 की 0 से 3, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। 3 की 0 से करेंगे 0, 3 1 जा 3 और 7 3 जा 21। 4 2 जा 8, 4 की 0 से करेंगे 0 एंड 6 4 जा 24। ओके, तो ऐसे हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये तो बच्चों विदाउट कैरी वाले मल्टीप्लाई हैं। अब हम जो करेंगे उनमें हमें कैरी यूज़ करना पड़ेगा। जो हमारी सेल्फ प्रैक्टिस 5E है, 5E के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको विजुअल हो रहे हैं। इनके बच्चों मैं आपको सभी पार्ट्स, इनके मैं आपको ओनली 2 या 3 पार्ट्स करके दिखाऊंगा एंड रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो आपको अपने अकॉर्डिंग करने हैं। ओके, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है इसका ए पार्ट, 3 की टेबल को 8 टाइम रीड करना है। तो 8 3 जा 24 का हम यहाँ पर जब हमारे 2 डिजिट्स वाले नंबर आ जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे, जस्ट अ मिनट। तो हमारा जो नंबर है 9 5 8 × 3, तो 8 3 जा 24, 24 हम ऐसे लिखते हैं। तो इसकी वंस प्लेस वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी और टेंस प्लेस वाली ऊपर चली जाएगी, कैरी हो जाएगी वो। तो 5 3 जा 15, 15 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 17। नंबर क्या बन गया बच्चों हमारा 17। तो 17 के वन प्लेस वाला नंबर यहाँ आ जाएगा और जो ये 1 है वो यहाँ फॉरवर्ड हो जाएगा। 9 3 जा 27, 27 और 1 इसमें जो हम जो हमारा इधर से आया उसको हम ऐड कर देंगे। 9 3 जा 27 और 1 28, तो ये बच्चों इसका आंसर होगा 2874। ओके, ऐसे ही इसका हम बी पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये इसका ए पार्ट है, मैं आपको इसका बी पार्ट भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 366 की मल्टीप्लाई करनी है 2 से। ओके, 6 2 जा 12 का 2, कैरी 1, 6 2 जा 12 1 13 का 3, कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, तो हमारा 732 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, जो इसका सी पार्ट है, सी पार्ट भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 4 3 8 × 2, 8 2 जा 16 का 6, कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, इसमें कैरी नहीं है तो नहीं फॉरवर्ड होगा, 2 4 जा 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 476। ऐसे ही बच्चों इनके जो जी पार्ट है, मैं आपको जी पार्ट और सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जी पार्ट में हमारे पास 4 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स हैं, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9, 7 3 जा 21 का 1 2 इधर चला गया, 7 3 जा 21 और 2 हो जाएगा हमारा 20, 3 का 3 हो जाएगा और 2 इधर आ जाएगा और 2 3 2 जा 6 और 2 8 8 3 1 9। ओके, दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट जी। ऐसे ही बच्चों आपको सभी पार्ट जो है
ए पार्ट से लेकर ओ पार्ट तक आपको अपने नोटबुक में सॉल्व कर लेना है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज आल्सो इजी क्वेश्चन। अ सेकंड हैंड अलमीरा कॉस्ट ₹2,045। हाउ मच डज मिस्टर चंदन पे फॉर फोर सच अलमीराज। जो मिस्टर चंदन है उनको एक अलमीरा बच्चों, जो वो एक सेकेंड हैंड, मैं इसका आंसर आपको करके दिखा देता हूँ। कॉस्ट ऑफ अलमीरा, कॉस्ट ऑफ अलमीरा इज इक्वल टू 2045। ओके, कॉस्ट ऑफ सच फोर अलमीराज इज इक्वल टू 2045 मल्टीप्लाई फोर। इसको हम क्या कर देंगे, फोर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2045 मल्टीप्लाई जब हम फोर से करते हैं, चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 5 20 का ज़ीरो आ जाएगा, 2 इधर हो गया कैरी, 4 4 16 17 18 का 8 हो गया कैरी 1, 4 की ज़ीरो से करेंगे 0, 0 में 1 प्लस करेंगे 1 एंड 4 2 8। जो उसकी कॉस्ट होगी बच्चों 4 अलमीरा की, वो होगी 8180 रुपीज़। ओके, तो द कॉस्ट ऑफ अलमीरा फॉर 4 अलमीराज आर 8180 रुपीज़। ओके, तो ये हमारा आंसर था। आप वीडियो को पॉज करके भी या रिवर्स करके भी आप आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। बच्चों, हमने अपने आज के क्लास में जो सेल्फ प्रैक्टिस 5D और 5E को कंप्लीट करा, और इनके जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपके होमवर्क है। हम अपने नेक्स्ट क्लास में सेल्फ प्रैक्टिस 5F के जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे, एंड मे बी 5G के क्वेश्चंस जो है हम उनको भी सॉल्व करेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, डोंट फॉरगेट टू डू होमवर्क एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।